हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम राठौर और आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों इस मधानी मोटर को रिपेयर करने का है, जिसमें कि बुश प्रॉब्लम है। इसमें एक टूवे स्विच होता है और एक वनवे स्विच होता है। तो सबसे पहले हम इसको सीरीज लैंप के द्वारा टेस्ट करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम इसके स्विच को सीरीज लैंप में लगाते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बल्ब जलने लगा पर हमारी मधानी मोटर घूम नहीं रही है, काम नहीं कर रही है। तो देखिए दोस्तों, इसको घुमाकर देखते हैं तो यह पूरी तरह से जाम है और यह घुमाने पर भी घूम नहीं रही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, इसके स्क्रूओं को खोल लेते हैं। इस प्रकार हम स्क्रूओं को खोलकर इसके कनेक्शनों को देख लेते हैं। इसमें जो कैपेसिटर वायर होते हैं वह टूवे स्विच में लगे होते हैं और टूवे स्विच का बीच वाली पिन में जो हमारी एसी केबल रहती है, एक वायर उसका लगता है। तो ये हमने निकाल लिए हैं। और वनवे में हमारी मधानी मोटर का कॉमन वायर लगता है और उसमें दूसरा वायर एसी केबल का लगता है। तो इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। हमने कनेक्शनों को बाहर निकाल लिया है। तो यह इसमें 2.5 एमएफडी का कैपेसिटर यूज़ किया जाता है और इसमें एक बुश आगे वाले कवर में और एक बुश पीछे वाले कवर में लगा होता है। तो सबसे पहले हम इसके स्क्रूओं को खोल लेते हैं और दोनों कवर को अलग अलग कर लेते हैं। हम इसके कनेक्शनों को भी निकाल लेते हैं, जो कि कैपेसिटर कनेक्शन है। यह देखिए दोस्तों, यह पीछे वाले कवर का बोस है और यह आगे वाले कवर का बोस है। तो इसको निकालने के लिए इसमें देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डस्ट लगी हुई है और इसमें जंग भी लग जाती है, जिसको कि हम एक रेतमाल पेपर से अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। और इसमें साफ करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालकर इस प्रकार नीचे इसको प्रेस करते हैं तो यह रोटर आसानी से बाहर निकल आता है। यह देखिए दोस्तों, हमारा रोटर बाहर निकल आया है। तो इसमें बुश जो है 882 नंबर के यूज़ किए जाते हैं। तो इन बुशों को अब हम रोटर में डालकर चेक करते हैं कि हमारे बुश ठीक तरह से सापट में आ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए अब हम बुश बदलना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पीछे के जार को रिपेयर करेंगे। इसके तीनों स्क्रूओं को खोलकर इसमें जो बुश लगा हुआ है उसको हम बदलेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह
बुश है और बुश के ऊपर यह रुई का रिंग रहता है जो कि सही है। यदि सही नहीं रहता है तो हम इसको बदलेंगे। तो इस प्रकार हम रिंग को ऊपर से रखकर इसमें अच्छी तरह से ऑयल करेंगे ताकि हमारे बुश को थोड़ी सी नमी मिलती रहे। अब हम इसके स्क्रूओं को अच्छी तरह टाइट कर देंगे ताकि मधानी मोटर चलते समय यह बुश हिले डुले नहीं। तो इस प्रकार हम पीछे वाले कवर का बुश आसानी से बदल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने बुश बदल लिया है। अब हम आगे वाले कवर का बुश बदलेंगे। तो इसमें भी तीन स्क्रू लगे होते हैं जिनको कि हम बाहर निकाल लेते हैं। स्क्रूओं को खोलने के बाद ही बुश को बाहर निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने बुश को बाहर निकाल लिया है। इसमें यह रुई का रिंग रहता है और बुश रहता है। तो अब हम इस रुई में अच्छी तरह आयलिंग कर देते हैं। आयलिंग करने के बाद अब हम इस तरह इसमें बुश को ऐड करेंगे और बुश को कवर में सेट करने के बाद इसके ऊपर हम यह लोहे की पत्ती को रखकर स्क्रूओं को अच्छी तरह टाइट करेंगे। तो इस प्रकार हम आगे वाले कवर से भी बुश को आसानी से बदल सकते हैं। बुश बदलने के बाद अब हम इसमें रोटर को डालेंगे। तो इस प्रकार हम रोटर को स्टेटर के अंदर सेट कर लेते हैं। अब हम इसके बैक कवर को भी बड़ी ही आसानी से सेट कर लेते हैं और अच्छी तरह स्क्रूओं को टाइट कर देते हैं। अब हम इसकी सापट में थोड़ी सी ठोकर लगाते हैं ताकि हमारी सापट अच्छी तरह फ्री घूमने लगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो जिन दो वायर में सीरीज लैंप का बल्ब धीमा जलता है, रोशनी कम आती है, वह हमारे कैपेसिटर वायर होते हैं। तो उन दोनों वायरों में हम कैपेसिटर को ऐड कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के बाद अब हम इस सीरीज लैंप से
मधानी मोटर को टेस्ट करेंगे तो एक वायर हमारा कॉमन वायर में लगेगा और दूसरा कैपेसिटर वायर में लगेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारी मधानी मोटर अच्छी तरह घूमने लगी है, दूसरी ओर भी यह अच्छी तरह से वर्क करने लगी है। तो इस प्रकार हम मधानी मोटर के बुशों को बड़े ही आसानी से बदल सकते हैं। अब हम इसको पूरी तरह सेट कर लेते हैं। तो हमने कनेक्शन कर लिए हैं और अब हम इसको सीरीज लैंप से टेस्ट करेंगे। स्विच को ऑन करते हैं तो देखिए दोस्तों, हमारी मधानी मोटर वर्क करने लगी है। इसमें यह ऑन ऑफ स्विच रहता है जिससे कि हम मधानी मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिसे वन वे स्विच भी बोलते हैं। और दूसरा स्विच हमारा टू वे का होता है जिससे कि मधानी मोटर एक बार उल्टी चलती है और एक बार सीधी चलती है। तो हमारी मधानी मोटर अच्छी तरह से वर्क करने लगी है। तो इस प्रकार हम मधानी मोटर्स के बुश आसानी से बदल सकते हैं, जिनका कि नंबर 882 होता है। तो आज की जो वीडियो है इतनी ही थी। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।